विदिशा की लटेरी तहसील के ग्राम पंचायत टोकरा के पूर्व सचिव और पूर्व सरपंच को शासकीय राशि में भ्रष्टाचार करने एवं फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले में जेल भेज दिया गया। मुरवास थाने में जनपद सीईओ लटेरी द्वारा ग्राम पंचायत टोकरा के पूर्व सरपंच एवं पूर्व सचिव के विरुद्ध निर्माण कार्य नहीं कराने एवं एमबी बुक में फर्जी हस्ताक्षर करने एवं फर्जी मूल्यांकन कराने की एफआईआर मुरवास थाने में दर्ज कराई गई थी, जिस पर मुरवास पुलिस ने धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं फर्जीवाड़े के इस मामले में कुछ अन्य लोगों के नाम होने की शंका भी जताई जा रही है, जिसकी हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पूर्व में इस ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत भी बड़े पैमाने पर की गई थी। ये जनपद पंचायत सीओ लटेरी द्वारा दिनांक 3/10/22 को टोकरा सरपंच पूर्व फूल सिंह सहरिया एवं लाल सिंह सचिव के विरुद्ध तीन कार्यों का कार्य नहीं कराने एवं एमडी बुक पर फर्जी हस्ताक्षर कराने और लिखने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उस पर से थाना पर अपराध क्रमांक 163/2022 धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध कर कल इन लोगों को गिरफ्तार कर दोनों को न्यायालय पेश किया गया है। न्यायालय से इन लोगों को जेल भेज दिया। सर, इसमें कुछ और नाम भी सुनने में आ रहा है कि कुछ और नाम भी हैं? अब जांच में आगे अगर कोई मुलजिम बनेगा तो उनको भी मुलजिम बनाया जाएगा, उनके खिलाफ साक्ष्य एकत्र की जाएगी। अगर कोई बनता है तो आगे विवेचना में तो उनके खिलाफ साक्ष्य मिलेगी तो उनको मुलजिम बनाया जाएगा। लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।